अस्सलाम वालेकुम क्लास, बायोकेमिस्ट्री 1 बाय अरसलान बाब। जनरल अकाउंट ऑफ ग्लूकोज। द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज C6H12O6 व्हिच इज अ रिड्यूसिंग शुगर। इट इज क्लासिफाइड एज अ एल्डो हेक्सोज। इसको हम क्या कहते हैं? एल्डो हेक्सोज भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसको हम एल्डो हेक्सोज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है और हेक्सोज मीन सिक्स, और ये छह कार्बन कंपाउंड क्या है? छह कार्बन कंपाउंड शुगर है। अंडरस्टैंड? तो छह कार्बन इसके अंदर, इस शुगर के अंदर होते हैं, तो इसलिए हम इसको एल्डो हेक्सोज कहते हैं। उसके अलावा इनको हम जनरली या कॉमनली डेक्सट्रोज भी कहते हैं और ब्लड शुगर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ब्लड में पाई जाती है इसलिए हम इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं। इट इज वन ऑफ द मोनोमर्स फाउंड इन डाइसेक्राइड्स। अब देखें बेटा, इसके मोनोमर्स जो हैं वो डाइसेक्राइड्स की फॉर्म में और पॉलीसेक्राइड्स की फॉर्म दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो देखें, डाइसेक्राइड्स में कौन कौन से होंगे? सुक्रोज, जो हम चीनी यूज करते हैं, माल्टोज एंड लैक्टोज। और पॉलीसेक्राइड्स की फॉर्म में कौन कौन से होंगे? स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजिन। ये जो सारी चीजें हैं ये डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। अंडरस्टैंड? ले हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। एपिमर्स। देखिए बेटा, आइसोमर्स जो होते हैं आपको पता ही है ना, आइसोमर्स क्या, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, रिंग स्ट्रक्चर वो डिफरेंट होता है। तो देखिए बेटा, आइसोमर्स डिफरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ वेरिएशन इन कॉन्फिगरेशन ऑफ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन ऑन द कार्बन एटम 2, 3 एंड 4 ऑफ ग्लूकोज एज नोन एज एपिमर्स। स्टूडेंट्स देखें, ये जो इसके आइसोमराइजेशन होती है ना, उसके रिंग स्ट्रक्चर में डिफरेंस कहाँ आता है? इसके कार्बन नंबर 2, 3 और 4 में हाइड्रोजन OH ग्रुप या फिर हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, इसकी पोजीशन में चेंज आ जाता है। उसकी वजह से जो चेंज आता है इसको हम कहते हैं एपिमर्स फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखें बेटा, बायोलॉजिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिमर्स ऑफ ग्लूकोज आर मनोज, ग्लैक्टोज। ठीक है, कौन कौन से हैं? मेनोज एंड ग्लैक्टोज फॉर्म बाय एपिमराइजेशन एट कार्बन 2 एंड 4 रिस्पेक्टली। अब मेरी बात यहां तक समझ आई कि देखें बेटा, सेंटर में उन्होंने अल्फा डी ग्लूकोज दिया हुआ है। ये डायग्राम से ज्यादा समझे, लेफ्ट हैंड साइड पर उसने ग्लैक्टोज बनाया है और राइट हैंड साइड पर उसने मनोज बनाया है। तो बेटा, इसके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या आया है कि देखें, जब इसके आइसोमराइजेशन की गई तो देखें, रिंग स्ट्रक्चर में पहले अल्फा डी मनोज देखें, इसके अंदर क्या है कि ये जो पोजीशन 2 है ना, इस पर देखें क्या हुआ है, इसके इसकी पोजीशन देखें, मनोज की पोजीशन 2 देखें और ग्लैक्टोज की पोजीशन 2 देखें। ठीक है, ग्लैक्टोज की अगर आप पोजीशन 2 देखेंगे तो इनमें बेसिक डिफरेंस देखें कि ग्लैक्टोज के अंदर पोजीशन 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है और मेनोज में हाइड्रोक्स ग्रुप ऊपर है। मेरी बात समझ रहे हैं आप यहां तक? तो देखें बेटा, ये बेसिक डिफरेंस है जो मेनोज को ग्लैक्टोज से अलग रखती है। तो इसके अंदर क्या होता है, मेनोज के अंदर कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंस आता है और ग्लैक्टोज में कार्बन नंबर 4 के ऊपर। तो देखें, कार्बन नंबर 4 में ग्लैक्टोज में हाइड्रोक्सिल ऊपर की तरफ है और इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की तरफ है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज प्रोड्यूस बाय प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन और केल्विन साइकिल। ग्लूकोज कब बनता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है, डार्क रिएक्शन के या फिर केल्विन साइकिल के अंदर। फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होते हैं, कौन कौन से? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन।
अब देखें बेटा, इट ब्रेक डाउन इनटू पाइरूविक एसिड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। तो देखें बेटा, जब रेस्पायरेशन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस होती है तो क्यों होता है कि ये जो ग्लूकोज है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या बनाता है, पाइरूविक एसिड बना देता है। ठीक है, इधर इन द प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वेयर इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इस फॉर्म में एनर्जी बनाता है विच इज यूज द रेगुलेशन ऑफ वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज, जो कि बहुत सी सेलुलर एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स देखें जरा, अब क्या होता है, मेरी बात सुने, उसने कहा कि ग्लूकोज पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट होता ही होता है इधर इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। या तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, पाइरूविक एसिड बनना ही बनना है। इससे मतलब क्या है कि सेल के जो अंदर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है उसने चलना ही चलना है, अंडरस्टैंड, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो। अब देखें, इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेरियस पॉलीसेकेराइड्स सच एज सेलुलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजिन। तो ये बहुत से पॉलीसेकेराइड्स जो हैं उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कि उनको काफी ज्यादा चीजें मिलके और ये सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजिन बना देती है। डेविएशन ऑफ ग्लूकोज टू पेंटोज फॉस्फेट पाथवे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट विच बिगन्स द शिकमेट पाथवे बाय विच एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स एंड मैनी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस्ड। अब देखिए बेटा, ग्लूकोज पेंटोज पाथवे में जब इसके हम डेविएशन करते हैं तो उससे उसके थ्रू एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट बनता है, जो क्या करता है, शिकमेट एक पाथवे है जिसके जरिए हम अमाइनो एसिड्स और बहुत से दूसरे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं हमारे, ठीक है, प्लांट्स के अंदर। तो उसके जरिए वो क्या होता है, वो प्रोसेस चलाने के लिए ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अंडरस्टैंड। जनरल अकाउंट ऑफ मेनोज, मेनोज इज अ कार्बन टू एपिमर ऑफ ग्लूकोज। मेनोज क्या है, कार्बन टू एपिमर ऑफ ग्लूकोज विच इज इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन मेटाबॉलिज्म स्पेशली इन ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ सर्टन प्रोटीन्स। अब देखें बेटा, अभी जनरल अकाउंट उसने मेनोज का दे दिया, इसको सी टू एपिमर क्यों कहा गया कि इसकी रिंग स्ट्रक्चर के अंदर पोजिशन टू के ऊपर क्या आता है, हाइड्रोक्सल ग्रुप में चेंज आता है, अंडरस्टैंड। अब उसके बाद देखें, सेवरल कंजेंटियल डिसऑर्डर ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन आर एसोसिएटेड विद म्यूटेशन इन एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द मेनोज मेटाबॉलिज्म। और मेनोज मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मेनोज इज नॉट एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं है, इट कैन बी प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम ग्लूकोज। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्लूकोज से बन सकती है और कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। अब देखें बेटा, जो चीज जिससे बनी है उसको हम उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कर सकते हैं, ये या तो ग्लूकोज से बनती है अगर हमारी बॉडी के अंदर ये बन गई है और ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो रही है, तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। इट प्रोवाइड्स 2 to 5 किलो कैलोरीज पर ग्राम, इसकी कितनी एनर्जी प्रोवाइड करती है, 2 से 5 किलो कैलोरीज पर ग्राम, अगर ठीक है, 1 ग्राम 2 से 5 किलो कैलोरीज की एनर्जी देते हैं। इट इज पार्शली एक्सीडेड इन द यूरन, इट इज अ डोमिनेंट मोनोसेकेराइड इन एन लिक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। एन लिक्ड ग्लाइकोसाइलेशन क्या है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। स्टूडेंट्स देखें, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन क्या है, ये इसके अंदर क्या होता है कि अगर आरएनए ने जब ट्रांसलेशन करनी है उसके रिजल्ट में क्या बनना है, प्रोटीन्स बननी है। प्रोटीन्स एक एंड प्रोडक्ट नहीं है, उसके बाद उस प्रोटीन्स के अंदर कुछ चेंजिंग आती है पोस्ट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होने के बाद क्या होता है, जो उसके अंदर चेंजिंग आती है उसे हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहते हैं, अंडरस्टैंड।
मेटाबॉलिज्म। द डाइजेशन ऑफ मैनी पॉलीसेकेराइड्स आर एंड ग्लाइकोप्रोटीन जीड मनोज। अब बहुत सी पॉलीसेकेराइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन की जब डाइजेशन होती है तो वो क्या बनाती हैं, मनोज बनाती हैं, विच इज फॉस्फोराइलेटेड बाय हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज की मदद से इसको क्या किया जाता है, फॉस्फोरिलेट किया जाता है टू जनरेट मेनोज 6-फॉस्फेट। अब देखिए बेटा फॉस्फोरिलेशन की वजह से क्या किया जाता है, इसके कार्बन नंबर 6 पर फॉस्फेट ग्रुप क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है हेक्सोकाइनेज। काइनेज क्या है, एक एंजाइम है। तो बेटा हेक्सोकाइनेज जो क्या करेगा, कार्बन नंबर 6 पर फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करेगा, विच इज कन्वर्टेड टू फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा बाय द एंजाइम फॉस्फोमनोज आइसोमरेज। ये ठीक है, एंड देन एंटर्स द ग्लाइकोलिटिक पाथवे और इन द कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अब मेरी बात यहां तक समझ आई, क्या होगा कि हेक्सोकाइनेज की मदद से मनोज को मनोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट किस एंजाइम की मदद से, फॉस्फोमनेज आइसोमरेज। उसके बाद वो ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर हो जाएगा और उसके बाद उसको ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाएगा बाय ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे ऑफ हेप्टोसाइट्स। अंडरस्टैंड, इस प्रोसेस के थ्रू हमें ग्लूकोज मिल जाता है और इसी प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज मनोज जो है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।